तो दोस्तों आज है तारीख 5 फरवरी। तो सुबह सुबह 2 बजे आँख मलते हुए उसके बाद तैयार होकर निकल जाता हूँ मैं शिमला के लिए, क्यों क्या हुई? क्योंकि तुम्हारी भाभी मुझे रोज सुनाती थी कि मैं कभी शिमला जाके नहीं देखी। तो शिमला पहुँचने के लिए मुझे लेनी थी कालका से ट्रेन। तो कालका तक छोड़ने के लिए मुझे गाड़ी में छोड़ने गए मेरे दोनों साला जी छोटे और बड़ा जी, इसके साथ हमारे राहुल जी ड्राइवर। बाय 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 जी बाय। तो ट्रेन तक छोड़ने के बाद ये चले गए अपने घर वापस। तो सुबह 3:45 पे कालका से शिमला के लिए हमारी जो ये जर्नी स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों सुबह सुबह अंधेरा होने के कारण हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद बाहर के बहुत अच्छे सीन हमें दिखाई देने लगे जो कि मैंने कैबना में कैप्चर किए हैं। इसके बाद हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी जिसका नाम था बड़ोक। तो बड़ोक में रुकने के बाद हमने यहाँ का एक वीडियो कैप्चर किया। यहाँ पे काफ़ी समय यहाँ पे ट्रेन रुकी, उसके बाद हमने यहाँ पे चाय भी पी 2 कप और उसके बाद फिर से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। इस ट्रेन के सफ़र में आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी क्योंकि हर स्टेशन पे 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है और उसके बाद सारे लोग एकदम से उतर जाते हैं और देखिए किस तरीके से एंजॉय करते हैं। मैंने भी काफ़ी सारा एंजॉय किया हर स्टेशन पे उतर के, उसके बाद कुछ सामान भी खरीदा खाने के लिए। दोस्तों अगर आप भी कालका से शिमला तक का ये टॉय ट्रेन का सफ़र एंजॉय करना चाहते हैं तो लगभग 5 घंटे में आप कालका से शिमला पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस ट्रेन की जर्नी में हमें 102 टनल देखने को मिलती हैं, जिसमें से बहुत कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो टनल है वो है बड़ोक की टनल, जो कि मैं बात कर रहा था जहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके थे और काफ़ी सारा एंजॉय किया था। तो इस टनल को पूरा कंप्लीट करने के लिए बाहर निकलने के लिए हमें पूरे 2 मिनट लगे थे, लेकिन उस टाइम अंधेरा था तो इसीलिए मैं उस सीन को नहीं कैप्चर कर पाया। दोस्तों शिमला समरहिल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ट्रैक पे हमें बहुत सारी बर्फ़ देखने को मिली, तो संभावना थी लग रहा था कि आगे भी बर्फ़ देखने को मिलेगी ऊपर शिमला में जाके। तो आगे इसके बाद सीधा हम पहुंचे रेलवे स्टेशन पे। तो फाइनल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शिमला रेलवे स्टेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 9 बज चुके हैं, तो 9 बजे पूरे 9 बजे आप यहाँ पे शिमला में पहुंच चुके हैं। तो कालका शिमला ट्रेन है जो हमें लगभग पूरे 9 बजे यहाँ पे पहुंचा चुकी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा क्राउड अभी रेल से उतरा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे वाली जो बोगी थी यहाँ पे थी आगे C1011 हमारा सीट नंबर था। और ये देखिए इधर कैसे सीन है यहाँ पे, अभी देखते हैं आप ऊपर जाके किस तरीके का सीन रहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी जर्नी कालका से शिमला तक की ट्रेन की। तो आप भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं इस जर्नी को। आगे हम जाएंगे आगे ऊपर शिमला और यहाँ का वेदर एंजॉय करेंगे। ये बर्फबारी हुई हुई है तो कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हमने कैसे एंजॉय किया पूरी बर्फबारी में और कैसा था सीन पूरा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।